अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 75। और आज के लेसन में हम देखेंगे एक्सट्रूड कमांड्स क्या होती है, आप सॉलिड एडिटर में आप फेसेस के ऊपर एक्सट्रूड कमांड कैसे यूज करते हैं, टैपर फेसेस कैसे यूज करते हैं, मूव फेसेस और कॉपी फेसेस किस तरह काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने काम किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज के लेसन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेसन में जितना भी काम करेंगे ये 3D सॉलिड एडिटिंग के ऊपर, आपने जो इसके सॉलिड फेसेस होते हैं उनके ऊपर मॉडिफिकेशन करनी है, उनके ऊपर काम करना है। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूं। तो इससे आगे वाले जितने भी काम है वो सारे के सारे सॉलिड एडिटिंग पे ही है और फेसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम मैश मॉडलिंग एंड सरफेस मॉडलिंग के ऊपर भी काम करेंगे, जो कि बहुत एडवांस और बहुत ज़बरदस्त फीचर है आपके ऑटो कैड के। और उसके अलावा ऑटो कैड के ऊपर हम लाइट मटीरियल को अप्लाई कैसे करते हैं, उसके अलावा लाइट इफेक्ट कैसे देते हैं, शेडो इफेक्ट कैसे देते हैं, इन सारे के सारे इफेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, मटीरियल के ऊपर भी काम करेंगे। तो ऑटो कैड मेरे पास ओपन हुआ, स्टार्ट ड्राइंग्स पे क्लिक करता हूं और यहां पे होम के बटन पे क्लिक करता हूं और SW आइसोमेट्रिक व्यू या कोई भी व्यू जो है आपके होम के बटन पे क्लिक करने से जो व्यू आता है आप उस पर आ जाएंगे। और UCS आइकन को अपने ओरिजिन पॉइंट पे लेके जाने के लिए UC एंटर करूंगा मैं एंड डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके, अब जो मैंने काम करना है वो सॉलिड एडिटिंग के ऊपर ड्रॉप डाउन बटन में मैं क्लिक करता हूं, यहां पे एक्सट्रूड फेसेस के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करता हूं मैं, और यहां पे आपके पास एक्सट्रूड फेसेस, उसके बाद टैपर फेसेस, मूव फेसेस एंड कॉपी फेसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं देखता हूं कि मेरे पास यही चीजें। ओके, इसके लिए मैं यहां पे सबसे पहला जो काम करना है मैंने वो एक्सट्रूड फेसेस पे काम करना है, या फिर उसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करता हूँ, एक्सट्रूड फेसेस के ऊपर काम करना है। तो बहुत ज़बरदस्त कमांड है आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए, इससे क्या क्या काम होते हैं, किस तरह काम होते हैं। तो इसके लिए मैं एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉप व्यू पे जाऊँगा, वर्ड में मैंने टॉप व्यू या फिर मैं फ्रंट व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एक मैं पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं शेप बनाऊंगा, जो कि मैं एक 3D शेप बनाता हूँ F8 प्रेस करके। एक सेकेंड में थोड़ा सा PL इंटर इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं ताकि मैं आसानी से काम कर सकूं। क्लोज कर लिया मैंने इसको, सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बराबर करता हूँ नीचे। ओके, अब मैंने यहाँ पे ये काम किया और अब मैं इसको यहाँ से मैं वर्ड व्यू पे मैं लेके जाता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ओके, अब मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। आप इसको मूव करना चाहें दूसरी साइड पे तो आप मूव कर सकते हैं इसको। तो इसको मूव करने का जो तरीका है वो ये है कि आप इसको मिरर कमांड अप्लाई करें, MI एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस, और यहाँ से आप इसको मिरर करेंगे तो इसका साइज स्टाइल इस साइड पे आ जाएगा। तो ये मिरर करने का फ़ायदा मेरा ये है कि मैंने आपके ऑब्जेक्ट में, ताकि आपको आसानी से नज़र आए कि हमने काम क्या करना है। और बल्कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ मैंने क्या करना है। तो मैं उसके लिए REC प्रेस कर REC एंटर करता हूँ रेक्टेंगल, ओके, जेड स्पेस ए स्पेस, जेड स्पेस ए स्पेस, ब्रेक करता हूँ यहां से अपने ऑब्जेक्ट को, इस साइड इस कॉर्नर से ब्रेक करता हूँ। तो ब्रेक के लिए BR एंटर करता हूँ,
यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को ब्रेक किया, इसके इस कॉर्नर को मूव करता हूँ, ब्रेक पॉइंट पे लेके जाता हूँ। और उसके लिए मैं पहले तो इस पर क्लिक करता हूँ और इसको एक थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँ ताकि बराबर हो जाए। ओके, मूव करता हूँ, एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, इसका एंड पॉइंट उठाया और यहाँ से मैं इस कॉर्नर में ले आया। ओके, अब मैं अपनी कमांड अप्लाई करता हूँ इसके लिए। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो इसके लिए मैं रेक्टेंगल का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, और अब मैं इस पे काम अपलोड करता हूँ। वो काम क्या है कि मैं सो ई एक्स टी एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो आपको आज एक्सट्रूड के ऊपर भी पता चल जाएगा एक्सट्रूड में पाथ में आप क्या क्या कर सकते हो। क्लिक किया मैंने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और अब मैंने स्पेस प्रेस करता हूँ और अब मुझे कह रहा है डायरेक्शन आप दे रहे हैं। ये देखें, ये एक तो डायरेक्शन है, दूसरा है पाथ। तो पाथ के लिए मैं पी एंटर करता हूँ, पाथ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे देखें पूरे के पूरे एरिया में हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया। और अब मैं इसको शेड में आपको बताता हूँ, मैं कंसेप्चुअल मैंने शेड लिया और आप देखें यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट अपना नजर आ रहा होगा। शिफ्ट को प्रेस करके अपने माउस के ऊपर स्क्रॉल बटन के ऊपर क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसके नीचे से शेड कैसे बने, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने जो काम करना था, जिस काम के लिए मैंने ये कमांड अप्लाई की थी, तो वो काम जो है वो क्या था वो आपको बताता हूँ। तो वो काम था जी आपका फेसेस को एक्सट्रूड करना। तो मेरे पास ये फ्रंट फेस है, इस फेस को मैं इस फेस के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अगर और कोई कमांड यूज़ करूँगा तो उससे वो नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सट्रूड फेसेस के कमांड से ही काम होगा। तो इसके लिए मैं एक्सट्रूड फेसेस पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने फेसेस को सिलेक्ट करना है, सामने फ्रंट फेस मेरा ये वाला, मैं इसको सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस किया, फर्स्ट पॉइंट ये वाला है और लास्ट पॉइंट मेरा ये वाला है, यहां तक इसको मैंने सेलेक्ट किया और एंटर करता हूं, तो देख सकते हैं कि मेरे पास ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक सॉलिड शेप में आकर ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे जुड़ गया। तो ये काम था जी एक्सट्रूड फेसेस का। इसके अलावा भी एक्सट्रूड फेसेस में बहुत ज्यादा काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, सॉलिड एडिटिंग भी काम कर सकते हैं, और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे मेरे पास कुछ फेसेस में बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने एल एंटर किया, ओके। अब मैंने इस फेसेस के ऊपर काम करना है, तो इसके लिए देखिएगा मैं यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस पे क्लिक करूँगा और ये फेसेस कौन से है जी मेरे पास, सॉरी। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे काम तो मेरे पास हो गया, मैं इसे यहाँ से चूड़ी वायर फ्रेम के पे लेके आता हूँ ताकि मुझे आसानी से नजर आए। अब ये फेसेस तो मेरे पास बन गया, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास लाइन अलग है। तो लाइन को जोड़ने के लिए, इसके ऊपर लाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस लेसन में कमांड बताई थी जो कि आपकी थी एम्प्रिंट कमांड। तो एम्प्रिंट कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और कौन से ऑब्जेक्ट इसके ऊपर प्रिंट लाना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं कह रहा है कि डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट। तो मैं यस मैं की चाहता हूँ, यस सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए, यस करता हूँ, तो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो गया और मेरे पास आपके पास एक लाइन इम्प्रिंट होगी। और अब ये जो लाइन मैंने इम्प्रिंट किया, तो इसको मैं एक्सट्रूड फेसेस के तौर पे काम यूज करता हूँ। तो एक्सट्रूड फेसेस मैंने क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इस एरिया को सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस करता हूँ और इसको उठाता हूँ जितना आपने इसको एक्सट्रूड करना है। ओके, यहां पे आप देखें तो आपके ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया और हमने एक्सट्रूड भी कर लिया। और अब इसको मैं व्यू में लेके जाता हूं और आपको बताता हूं, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त कमांड है आपके ऑब्जेक्ट में किसी भी एरिया को, किसी भी चीज को एक्सट्रूड करने के लिए बहुत जबरदस्त कमांड है। तो ये थी जी एक्सट्रूड फेसेस की कमांड। नेक्स्ट जो काम करता हूं, नेक्स्ट काम है वो नेक्स्ट कमांड है मेरे पास टैपर एंगल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। तो इसका फंक्शन क्या है,
तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। REC एंटर करता हूँ मैं, सॉलिड डे करेंट मैंने चूज किया, और मैं अब इसको एक्सट्रूड करता हूँ। ओके, अब मैंने यहां पे काम जो करना है वो मैं टैपर एंगल के ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूं। तो टैपर एंगल के लिए आप टैपर एंगल वाली कमांड पे क्लिक करें, अपने पूरे अपने ऑब्जेक्ट का जो जिस कह रहे हैं सिलेक्ट फेसेस, आपने फेस सिलेक्ट करना है जिस फेस के ऊपर आप टैपर यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहां पे उस फेस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक किया मैंने, अब क्लिक कर रहे मेरे पास कुछ तीन कमांड्स हैं जो कि काफी सारे इससे पहले भी ये यूज हुई हैं, तो मैंने शायद कि मैंने डिस्कस नहीं की इन कमांड्स के ऊपर। तो इसका फंक्शन ये कि मैंने फॉर एग्जांपल इस फेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये आल सिलेक्ट हो रहे हैं, मैं आल ये सारे आल सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मैं आल एंटर करता हूँ, तो देखिए पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब गलती से सारा का सारा सिलेक्ट हो गया है, तो मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ कुछ फेसेस को, तो उसके लिए मैं आर प्रेस करता हूँ, रिमूव, इस फेस को मैंने नहीं सिलेक्ट करना, इसको भी नहीं सिलेक्ट करना, इसको भी सिलेक्ट नहीं करना। अंडू का फंक्शन यह है कि आप दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेके आना चाह रहे हैं तो यू एंटर करें। देखिए मैंने इसको अनसेलेक्ट किया था, वो वापस आ गया, फिर मैं यू एंटर स्पेस करता हूँ, यू स्पेस करता हूँ, यू स्पेस करता हूँ, तो जो जो हमने काम किए वो वापस रिपीट हो रहे हैं। तो ये था जी आपका ये टैपर एंगल के ऊपर कुछ और ऑब्जेक्ट पे काम जो होता था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे मैंने काम करना है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे काम करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं टैपर एंगल पे टैपर एंगल से मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का कह रहा है सिलेक्ट किया और स्पेस प्रेस करता हूँ, कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में क्लिक करता हूँ, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में मैंने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कितने एंगल में टैपर एंगल यूज हो, कितना एंगल होना चाहिए, तो मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 35 एंगल पे मैं इसको टैपर करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका टैपर अप्लाई हो गया और ये शेप बन गया आपके टेपर की, देख सकते हैं। अब यही काम है फ्रंट पे भी, मैं यहां पे फ्रंट पे भी करना चाह रहा हूं, तो फ्रंट पे भी करने के लिए आप यहां पे क्या करेंगे, टेपर में काम करता हूं, टेपर पे मैंने क्लिक किया, फ्रंट फेस को मैंने सेलेक्ट किया, स्पेस प्रेस करता हूं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसको मैं इस साइड से टेपर करना चाह रहा हूं, इस साइड से, तो उसके लिए आप ये वाला एंगल लेंगे, तो उसके लिए मैं यहां से स्पेस प्रेस करता हूं, टेपर एंगल मैंने प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सॉरी मेरे मुझसे ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, टेपर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया, स्पेस, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, एंगल 15, अब देख सकते हैं कि मेरा यहां से यहां तक का एरिया भी टेपर हो गया। अब देखें जरा, तो मैं शिफ्ट की प्रेस की मैंने, और यहां पे देखें टेपर का फंक्शन है। अब नेक्स्ट में जो टेपर करना चाह रहा हूं वो मैं करना चाह रहा हूं इस फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को, इस साइड को टेपर करना चाह रहा हूं, तो देखिएगा कि इसका भी फंक्शन वही है, टेपर मैंने क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, इस पॉइंट तक मैं इसको टेपर करना चाह रहा हूं और एंगल देता हूँ 15 के एंगल में टेपर हो जाए। ओके, तो ये भी टेपर हो गया। तो ये काम होता है जी टेपर एंगल का, आप देख सकते हैं। ये टेपर एंगल आप किसी सर्कल के ऊपर भी काम ला सकते हैं, किसी और ऑब्जेक्ट पे भी इस पे आप काम कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल एक सर्कल लेता हूँ, इसको एक्सट्रूड करता हूँ, और मैं इसको टेपर करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं यहां से टेपर पे क्लिक करता हूं, फर्स्ट फ्रंट में को मैं टेपर करना चाह रहा हूं, स्पेस, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में यहां से लेकर इस पॉइंट के सेंटर मिड तक मैं इसको टेपर करना चाह रहा हूं और एंगल देता हूं मैं इसको 15 के एंगल में टेपर करना चाह रहा हूं। तो इसका फेस भी हमारे पास टेपर हो गया, उसको देखने के लिए शिफ्ट को प्रेस करता हूं, दोबारा अप्लाई करता हूँ टेपर,
पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंगल ज्यादा देता हूँ, 50 का एंगल देता हूँ, स्टेपर तो हो जाना चाहिए इसको, ये क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा सा एंगल में इसको मैं स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट थोड़ा कम देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ तक देता हूँ क्योंकि नीचे तक ये फिर टेपर हो जाता है और 45 के एंगल में टेपर हो जाए। सी एंटर या बॉक्स में भी आप यहाँ से लेके ले सकते हैं, सिलेंडर शेप में ले ली, टेपर एंगल पे क्लिक किया, टेपर एंगल फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट और कितना, टेपर एंगल 85 एंगल पे, क्यों नहीं हो रहा, चलिए मैं इसके ऊपर डिस्कस करके वो बताता हूँ। स्टूडेंट्स ये सिलेंडर शेप है, इस वजह से मैं जो मैं इसको फेस दे रहा था वो मैं गलत दे रहा था, तो उसके लिए आपने फेसेस मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो सिलेंडर शेप के टॉप को ही फेस देना है और जो हमने सिलेक्ट करना है वो ये वाला एरिया देना है हमने सिलेक्शन के लिए, तो इसके लिए मैं टेपर एंगल यूज़ करता हूँ, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट और अब इसको मैं एंगल देता हूँ 45 का एंगल देता हूँ, ओके देख सकते हैं अब ये हमारे पास टेपर हो गया आप देख सकते हैं, ओके अब इसी तरह मैं बॉटम से इसको टेपर देना चाह रहा हूँ, तो बॉटम के लिए आपने क्या करना है, टेपर पे क्लिक करें, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट स्पेस और बॉटम से मैं टॉप की तरफ जा रहा हूँ और इसको अब मैं देता हूँ 45 का एंगल, देख सकते हैं अब बॉटम से हमारे पास हो गया, देख सकते हैं, तो ये जी टेपर एंगल का फंक्शन। ओके अब इसको अंदर से खाली करने के लिए एक और कमांड यूज होती है शेल कमांड, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे, ये शेल कमांड है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट डिस्कस करेंगे किसका फंक्शन क्या है। तो इधर टेपर एंगल, उसके बाद है मूव फेसेस, तो मूव फेसेस का फंक्शन ये है, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आर ई सी एंटर किया मैंने, एक्सट्रूड करता हूँ इसको, इस फेस को मैं थोड़ा मूव करना चाह रहा हूँ आगे, जेड स्पेस ए स्पेस, ओके इसका जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को मैं मूव करना चाह रहा हूँ आगे इस फेस को, तो उसके लिए मैं यहां से जो यूज करूंगा कमांड वो कमांड है मेरे पास मूव फेसेस पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस किया और कितना मूव करना है फर्स्ट पॉइंट से आगे आप लेके जाएं, मैंने इतना मूव करना है तो देखें उतना मूव हो गया, उसके अलावा आप स्पेसिफाइड डिस्टेंस देना चाहें तो आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं, तो डिस्टेंस देने का क्या तरीका है उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मूव फेसेस पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किया स्पेस, यहाँ से लेकर मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 डिस्टेंस पे, तो देखें आप ये मूव हो गया, उस ये वाला जो फेस है इसको भी आप मूव कर सकते हैं, इसको मूव करने का क्या तरीका है वो भी यही तरीका है, आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके जो डिस्टेंस देना है वो यहाँ पे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेसन है, नेक्स्ट जो काम है वो है हमारे पास ऑफसेट फेसेस, तो सॉरी कॉपी फेसेस, कॉपी फेसेस का फंक्शन यह है, क्लिक करें आप अपने फेस को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, कौन से यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी होकर हमारे पास ऑब्जेक्ट सामने आ गया, मैंने इस फेसेस को कॉपी करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी फेस को सिलेक्ट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस कॉर्नर से मैं उठाता हूँ, इसको आगे लेके आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कॉपी हो गया, तो यह जी कॉपी फेसेस का फंक्शन और मूव फेसेस एंड टेपर और एक्सट्रूड फेसेस का फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।